वॉलमार्ट में एक बंदा $10,000 के टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइजर खरीद के लेके गया था। बड़ी बड़ी गन्स पिस्टल्स भी रखते हैं यहाँ पर, बहुत सारा कुछ सामान रखते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम रोहन वर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं यहाँ अमेरिका में पिछले कुछ 7-8 साल से रहता हूँ और यहाँ की जगह पे जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ के वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए और मेरी मेमोरीज रह जाती है। और अब भी ऐसा हो रहा है कि मेरी जो YouTube की फैमिली है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को शेयर किया है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, जब भी वो लोग शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो मैं उन स्क्रीनशॉट्स को अपने इंस्टा स्टोरीज पे डालता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यार आप लोग दे रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट क्योंकि मोहसिन भाई को थोड़ा खाने पीने का सामान चाहिए, उनका खत्म हो गया। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो भाई आज वापस से किधर चल दिया? दिनों बाद गाड़ी देखा। हाँ, बहुत लगा ले, गा ले, गा ले। आजा गाड़ी का फील ब्रो, सीट बेल्ट डालना जरूरी है भाई, सेफ्टी फर्स्ट। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि हम लोग का जो एरिया ना फ्रेडरिक में, मैं रहता हूँ मेरीलैंड में, आगे की एंट्री और पीछे की एंट्री ब्लॉक कर दी है। तो मतलब जाने आने के लिए हम लोग को परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउड ही नहीं है। मेरे पास स्कार्फ नहीं है, मोहसिन के पास स्कार्फ नहीं है, लेकिन हम लोग ने अपना स्कार्फ से ना अपने रुमाल से जुगाड़ लगा के हम लोगों ने ऐसा पहन लिया है। तो अभी देख लो ये वॉलमार्ट, ये हम लोग ग्रोसरी सेक्शन में जा रहे हैं। क्या किस सेक्शन में क्या नहीं है, यहाँ इसकी ट्रॉली अटक गई। क्या हो गया, ट्रॉली अटक गया, इसकी ट्रॉली अटक गई। देखो वहाँ पर जंप्स मिटाने का, यहाँ पर खाना पीना भी मिल जाता है, बना बना है, चिकन है, आलू है, मैकरोनी है, सब चिप्स है, चिकन है। अभी के लिए वॉलमार्ट में तो सब कुछ मिल रहा है। देखो भाई यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज है, इधर मत, यहाँ खाना पीना है, देखो स्ट्रॉबेरीज, यहाँ फ्रूट्स भरा पड़ा है। देखिए वॉलमार्ट में सब सामान मिल रहा है यार। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है ना? हंस रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी यहाँ पर सेफ्टी ही मेन कंसर्न है। मैं तो दूर दूर रहूँगा ब्रो, दूर ही रहना सब लोगों से। प्याज अभी थोड़ा टाइम आना नहीं है, अभी ऑनलाइन ही करने का सब कुछ अपने को। $1.48 per LB है क्या? हाँ 1.48, मतलब हो गया 100 रुपया, वही 100 रुपये के, हाँ वही 110-120। यहाँ पर क्या भाई, खजूर नहीं नहीं ये सब केक है, केक ही मिल रहा है। वो आंटी का कुछ गिर गया लगता है। हमारे भाई किसी के नज़दीक जाना नहीं है, दूर दूर ही रहना है। ये केले भी मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सब इन सब चीज़ों की आदत नहीं है ना मुझे भी, तो ऐसा बात करने भी एकदम ऑकवर्ड सा लग रहा है। पर ठीक है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है वॉलमार्ट पे। ये मोहसिन भाई हमारे टमाटर ले लिए थोड़ा सा, और कांदा और ले लेंगे रुमाल। अरे ब्रो बहुत कम है यार, ले ले यार, अगर आया है तो ले ही ले। 68 सेंट का LB रहेगा, मतलब वही 50। क्या लिया, ब्रेड है? कितने का ब्रेड है?
ये एक ब्रेड आया 2.98, मतलब 210 की पकड़ लो, 210-220 की एक ब्रेड है। मुझे हो रही है टेंशन यहाँ से, पर ठीक है अभी मोहसिन के साथ आया हूँ तो मोहसिन के साथ ही रहता हूँ। परचेज 2-1 पर आइटम, एक ही लेके जा सकते हैं, $2 का, अरे 150 का एक। कितने बॉटल है? 32 बॉटल भाई। सब लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, भर भर के लेके जा रहे हैं, पूरा साल भर का राशन लेके जा रहे हैं, और बाकी लोग आ रहे हैं भाई खाली हाथ जा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी इन लोगों ने, वॉलमार्ट वालों ने वही रूल ही कर दिया है कि अगर आप लोग आ रहे हो ना यहाँ पर तो एक ही चीज़ लेके जा सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा, पर खाना पीना अगर जैसे अंडे लेने हैं, और देखो अंडे में भी कुछ भी रहेगा, ऐसा ही रूल रहेगा अंडों में भी। अंडो हाँ, 2 पर पर्सन, अंडो काली का 2 पर पर्सन। ये मोशन ले रहा है अपना कितना, 210 वाले ले रहा है, 210 वाले दो लिया उसने, कितना है उसमें, 18 अंडे, एक में 18, मतलब 210 के 18 अंडे। दूध ले ले और चल। 135 का कितना लीटर है भाई, 3 लीटर, 3.78 लीटर। पानी, ये पानी भी सेम ही था और दूध भी सेम ही था। हाँ, आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने लाया हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर गन्स, बड़ी बड़ी गन्स, पिस्टल्स भी रखते हैं यहाँ पर, बहुत सारा कुछ सामान रखते हैं। पर ये जो गन्स है ना, ये अपना तीतर मारने के लिए वो शिकार वाली गन्स होती हैं यहाँ पर, ये सारी गन्स भी रखते। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दिस एरिया इज़ टेम्पररीली क्लोज, ये तो बंद है अभी यहाँ पर। ये देखो शिकार करने यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, शिकार पे जाना, खरगोश और हिरण जब भी सीज़न आता है ना वो चीज़ का शिकार करते हैं, तो ये सारा सामान रखा हुआ है इन लोगों ने गन सेफ्टी के लिए। और ये पहन के वो लोग जंगल में चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का शिकार करते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी किया नहीं आज तक। और अभी तो बहुत सारे स्टेट्स पे ऐसा हो रहा है ना कि लोगों ने गन्स लेके रख दी हैं, क्योंकि सब डरते हैं कि भाई अगर कुछ ज़्यादा हो गया ना ये चक्कर तो कुछ भी हो सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है, चोर लोग हैं, और मतलब जिनकी आदत है चोरी करना, मारा मारे डकैती करना, वो लोग भी बाहर आ सकते हैं और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने गन्स लेके भी अपने अपने घर पे रखे, लोग रखते ही हैं गन्स लेके, उसका भी कुछ रूल रहता है, लाइसेंस वाइसेंस चाहिए रहता है उसके लिए। तो अभी मुझे तो इतना एग्जैक्टली पता नहीं है, और ना ही मैं कोई गन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी सीधा आने का, अपना सामान लेके और खुद को कुछ पैसा दे देने का। हो गया, प्याज ले लिया, सब ले लिया ना ब्रो? तो अभी बताते हैं आपको बिल कितना हुआ इसका, क्या हो गया? कोई भूल गया, उसको बुलाता हूँ मैं। क्या भूल गया कोई? Excuse me. Somebody forgot something there. क्या भूल गया? कोई भूल गया यार, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी। नो प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर कोई सामान भूल गया तो हम लोगों ने बुलाया, अगर हमारा भी सामान यहाँ पर रह जाता ना तो कोई ना कोई बुला के रख देता था। तो अच्छी बात ये है, अगर किसी का सामान रह गया है, घूम गया, तो उधर ही रहने दो, छोड़ दो, यहाँ यहाँ की अथॉरिटीज़ को बता दो कि भाई किसी का सामान रह गया है तो प्लीज़ दे दो। सिक्स फीट का देख लो भाई, सब जगह ऐसे ही है, 6-6 फीट की दूरी बनाए रखो। अरे बाहर जाते हैं, थैंक यू। बाहर जाते हैं भाई, अंदर तो ऐसा लग रहा था ना, आप लोगों को बता नहीं सकता, मैं नहीं आऊँगा दोबारा वॉलमार्ट में, किसी भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाऊँगा ही नहीं। गार्डनिंग का सेक्शन है, फार्मेसी का सेक्शन है ये वाला, ये वॉलमार्ट लिखा हुआ है, और ये ग्रोसरी का सेक्शन है। कितना बिल हुआ ब्रो? मेरा ज़्यादा हुआ, कैप ऐप बता, 42 हुआ। मैं वो कैप ऐप भी लिया। अच्छा, मतलब तेरा 2500 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सामान लेते हैं ना हम लोग पहले जाके सैनिटाइज करते हैं घर पे, और सामान अपना गाड़ी में पड़ा रहता है एक दिन तक, उसके बाद हम लोग लेके जाते हैं। और कैमरा लगा हुआ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर गाड़ी पार्क करके अगर आप कुछ भी हरकतें कर रहे हैं ना तो सब दिख रहा है, सिक्योरिटी कैमराज सब कुछ दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं वॉलमार्ट से, और अभी सीधा घर पर मिलता हूँ आप लोगों को,
रास्ते में जहाँ भी ये मास्क की ज़रूरत नहीं है जो भी हम लोग ने पहना है, क्योंकि गाड़ी में तो आप लोग सेफ ही हो। तो अभी पहुँचे हम लोग घर पे, देखते हैं आज अभी क्या हो रहा है। दिन भर बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है जो मैंने आप लोग को शेयर नहीं किया है, वो सब बताना है आप लोगों को। अभी देखो उधर ही बैठी है अभी तक भाई अपनी एनाबेल। ये ब्रो ये मालूम नहीं इसका मालूम है तेरे को सीन क्या है? रात में उठती है। अरे इसका मालूम है कि सीन क्या है? घर से निकल गया और हॉस्पिटल गए, कुछ तो सीन हो गया था। हाँ तेरे को शायद मालूम नहीं, बट थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा ना कि घास काटने गए। हाँ घास अभी कल काटेंगे, कल घास काटेंगे तो उसका भी एक ब्लॉग बनेगा और जो कल आएगा कल घास काटेंगे। किसको किसको मेरे मेरा रूम टूर चाहिए प्लीज बताना। तेरे को चाहिए मेरा रूम टूर? हाँ क्या कर रही है टिकटॉक? और तेरा टिकटॉक ये क्या स्टैंड लेके सो रही है? सीरियसली रेशमा यार क्या हो गया दुनिया को, जिगिशा को देखता हूँ क्या कर रही है। क्या पर कर क्या रही है? एडिटिंग कर रही हूँ। तूने बोला था अपन व्लॉग बनाएंगे मिलके, क्या एडिटिंग कर रही है? मैंने उसको बोला कि हम लोग यहाँ पर एक मस्त चूल्हा लगा के यहाँ पर कुछ खाना वाना बनाते हैं और एक व्लॉग बनाते हैं, पर यार सुन ही नहीं रही है। कोई बोलो यार उसको प्लीज, कोई बोलो जिगी को ये करने के लिए। सीरियसली बताऊँ तो खुशबू थाई करी की आ रही थी, बट एक्चुअली में राजमा और राइस है। तो फटाफट राजमा राइस खाते और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। अरे यार अटक जा, अच्छा खाना मिल रहा है भगवान की दया से, मुँह में पानी आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गॉड वाहेगुरु, थैंक यू सो मच। एंड अरे भाई शॉपिंग करो, खाना पीना लो, बट आपको बताऊं मैं एक बात कि यहाँ पर वॉलमार्ट में एक बंदा $10,000 के टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइज़र खरीद के लेके गया था और अब रिटर्न करने आया, बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए और उन्होंने वापस नहीं लिया। क्या बात है, ऐसे लोगों की वजह से ना सारी शॉर्टेज चल रही है, बट अभी सब ठीक है। और अभी आया वापस देने के लिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए हैंड सैनिटाइज़र, मुझे नहीं चाहिए आपके ये पेपर टॉवल। अरे भाई कभी लेके क्यों गया था, जब भी महामारी चल रही थी नहीं लेके जाने का ना। गुस्सा बहुत आया मुझे जैसे ही मैंने न्यूज़ देखा ना, मैं बोला आप लोग को बताना चाहिए कि ऐसा सब चल रहा है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज़ के वॉलमार्ट में आप रिटर्न कर सकते हो सामान लेके जाके। ऐसा नहीं कि वॉलमार्ट में, किसी भी स्टोर पे आप जाओगे ना यहाँ पर अमेरिका में, आप लोग कुछ लोगे एक लिमिटेड टाइम रहता है, कोई कोई 15 दिन रहता है एप्पल स्टोर्स में, क्या 1 महीना 15 दिन रहता है, और बहुत सारे स्टोर्स में 3 महीना भी रहता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट इस बंदे को तो सल्यूट है भाई, 10,000 मतलब 7 लाख रुपये। मैं उठा तो यहाँ पर, जब भी आप लोग को तो पता ही है दाना डालता हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ था नीचे, और मैं नीचे गया उसको देखने के लिए, एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, तो बेचारा वहाँ भाग गया। मेरे को लगा कि तो चोट तो नहीं लगी है ना, पर वो चल पा रहा था अच्छे से भागा, तो फिर मैं ऊपर आ गया। मैं बोला चलो जाता हूँ, उसके जो भी घर वाले आके लेके जाएंगे, शायद वो वापस से ऊपर चढ़ गया कि नहीं चढ़ा पता नहीं, मुझे दिखा नहीं वापस से यार, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही, तो बार बार आके मैं देखता रहता हूँ, चेक करते रहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा जानवर तो नहीं है ना। जितना हो सके भाई देखते रहो आजू बाजू में, ये हमारी लोकेलिटी है देख लो। और कुछ कुछ लोग कितने अच्छे पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, वो देख के अच्छा लगता है यार, मतलब पॉजिटिविटी फैलाते हैं वो लोग कि कैसे रहना चाहिए इस टाइम पे, और मतलब क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए और नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। अगर आप लोग अग्री करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी पॉजिटिव चीज़ आपने इस व्लॉग से सीखी है और कौन सी नेगेटिव चीज़ भी आपने मेरे इस वीडियो से सीखी है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब मैं तो यहाँ रहता हूँ, खुली जगह है मेरे पास, यहाँ बाहर निकल के आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बट मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, मतलब मैं उन यूट्यूबर्स के बारे में सोचता हूँ जो एक कमरे में बंद है और उनको वीडियोस बनाने हैं। यार अगर आप ऐसे यूट्यूबर्स को जानते हैं ना तो प्लीज़ उनके वीडियोस जाके प्लीज़ देखो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है हर बिज़नेस करने में, हर चीज़ करने में, पढ़ाई करने में, किसी काम में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और
मतलब अगर प्लीज़ आप लोग किसी ऐसे यूट्यूबर को जानते हो जो कि अपने घर में फंसा हुआ है, एक ही रूम है या एक फैमिली रूम है, तो उनके वीडियोस जाके प्लीज़ देखो और मेरे वीडियोस भी देखो और मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मुझे जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं आपके कमेंट्स देख के एकदम खुश हो जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, रात को ब्लॉग एडिट करता हूँ और 10-20 मिनट रुकता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और सुबह उठता हूँ पहले भगवान का नाम और फिर बाद में यूट्यूब खोलता हूँ, देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर आए हैं, बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद कमेंट्स पढ़ना जो स्टार्ट करता हूँ ना, और उसका एक एक का रिप्लाई देता हूँ मैं। और हो सके तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम में मुझे जाओ, वहाँ पर मैसेज करो, अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे बात करनी है तो वहाँ पर मुझे बात करके बहुत मज़ा आता है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग मुझे बता सको कि आप लोगों को कैसे व्लॉग अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, अगर कोई भी सजेशन रहेगी ना कि इस तरह के व्लॉग बनाओ, क्योंकि मैं देखो अभी घर पे फंसा हूँ, घर पे से ही काम कर रहा हूँ, व्लॉग्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, कोशिश करूँगा कि उस आइडिया पे अपना व्लॉग बनाऊँ। बहुत बार मैंने वीडियोज़ यहाँ से स्टार्ट किए, तो ठीक है आज मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर आप शेयर कर सकते हो मेरे कोई भी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है, मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड आई रियली लव यू, बाय बाय।